आज हम बात करने जा रहे हैं डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग क्या होती है और डे ड्रीमिंग आपको पता कैसे चलेगा कि आपको ये डे ड्रीमिंग का डिसऑर्डर हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जीडी भार्गव और मैं प्रेजेंट करता हूं हमारे ऑफिशियल चैनल को आवर ब्रेन आवर लाइफ। आज हम बात करने जा रहे हैं डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग क्या होती है और डे ड्रीमिंग आपको पता कैसे चलेगा कि आपको ये डे ड्रीमिंग का डिसऑर्डर हो गया है, ये समझने की जरूरत है। तीसरा, क्या हम ये डे ड्रीमिंग रोक सकते हैं, और मैं आज आपको दो ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि आप घर पे ही अपनी डे ड्रीमिंग जो बच्चों में बढ़ रही है उसको आप रोक पाएंगे। तो चलते हैं इसकी डिस्कशन पे कि ये डे ड्रीमिंग क्या होती है। तो डे ड्रीमिंग क्या होती है, दिन में सोचना या सारा दिन खाली बैठ के स्वप्न की दुनिया में रहना। कैसे रहता है इसको बड़ा आसान सा एग्जांपल है, आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट करिए। एवरीवन, मैं अगेन रिपीटिंग, एवरीवन जो पर्सन है वो डे ड्रीमिंग करता है। इस दुनिया में कोई नहीं है जो डे ड्रीमिंग ना करता, लेकिन हम 10-15 मिनट के बाद बाहर आ जाते हैं और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम बाहर नहीं आ पाते तो वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम समझने की जरूरत है डे ड्रीमिंग क्या होती है। ये वीडियो अगेन फॉर द एजुकेशनल पर्पज है, इसको आप साइकोलॉजिकल पर्पज से यूज मत करें जब तक कि आपके पास एक्सपर्ट की सलाह ना हो। तो ये वीडियो पूरी तरह एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो डे ड्रीमिंग कैसी है, आप घर पे बैठे, सडनली आपके बॉस ने आपको डांट दिया, आपको बॉस पे बहुत गुस्सा आया, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, मैं इसका बॉस बन जाऊंगा ना, बताऊंगा इसको, सैक कर दूंगा, बेवकूफ आदमी है, और सोचते हुए 2 घंटे निकल गया। 2 घंटे के बाद आपको ध्यान आया, ओहो मेरे अगर एक्सेल नहीं देना तो कल बॉस नहीं जॉब भी चेंज करनी पड़ेगी। देन यू स्टार्ट डूइंग दैट वर्क। सो इस तरह के बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपनी लाइफ में फील करते हैं। और ऐसा घर की जो औरतें हैं उनको बहुत ध्यान आता होगा दूध निकलना, आप दूध चढ़ा के गैस पे और इधर उधर दुनिया में सारी जगह घूम रही हैं, बैठी हुई मोबाइल में डे ड्रीमिंग में है और सडनली पता लगता है गैस पे से दूध उड़ गया। तो ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिए हैं, लेकिन बच्चों में ये बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है और उसके लिए हमें इस पर काम करने की जरूरत है। तो हम 5 पॉइंट समझते हैं कि बच्चों में डे ड्रीमिंग बढ़ चुकी है या ये आप ऐसे समझिए कि एक डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। तो क्या 5 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट जो हम लेके चलते हैं, फॉरगेट ऑफ वर्क, जो वो काम कर रहा है ना सडनली भूल जाता है दिन में, कंफ्यूजन स्टेट में, जैसे उसने एक टाइम टेबल बनाया। बच्चों की बड़ी आदत होती है कि एक टाइम टेबल क्रिएट करेंगे, मेरे को इंग्लिश इतने घंटे पढ़नी है, मैथ इतने घंटे पढ़ना है, और वो टाइम टेबल बना के उसको चिपका भी दिया उसने दीवार पे, और चिपकाने के बाद जो फिक्स हो गया वो दीवार पे, उसके बाद वो डे ड्रीमिंग में, मैं टॉप कर गया हूँ, मैं ऐसा हो गया हूँ, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ, मेरी फ्रेंड्स मेरे को बहुत हेलो बोल रहे हैं, ऐसा कर रही हैं, वैसा कर रही हैं, लड़की है तो अपने ड्रीम्स में, लड़का है तो अपने ड्रीम्स में। और जब वो थोड़ी देर के बाद उठेगा बच्चा, वहां अपनी पोजीशन में से नॉर्मल पोजीशन में आएगा, तो वो यही भूल जाएगा यहाँ बैठा किस लिए था, वो टाइम टेबल किस काम के लिए बनाया था, कब है पेपर। अगेन ही विल गो आउटसाइड, अगर एक बार खेलने चला जाएगा या मोबाइल पे बिजी हो जाएगा या सोशल मीडिया पे चला जाएगा। तो अगर आपका बच्चा ऐसा कंफ्यूजन स्टेज में बार बार जा रहा है अगेन एंड अगेन, तो आपको इमिजिएटली एक्शन लेने की जरूरत है, नहीं तो ये बढ़ना जाएगा, इसको कहते हैं डिसऑर्डर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है गिल्ट फैक्टर। बच्चों में ना गिल्ट फैक्टर आ जाता है, उसकी वजह से एंग्जाइटी बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। कैसे गिल्ट फैक्टर आता है, आज उसने, बच्चा आपका इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उसके टीचर ने बोला ये कल मेरा टेस्ट लेना है। अब उसने बुक खोल लिया और वो बुक के सामने बैठ के डे ड्रीमिंग है, मेरे को उस फ्रेंड को ये सलाह देनी है, वो बिल्कुल अपनी दुनिया में है, मैं उसको ऐसा गाइड करूंगा, उसको ऐसे गाइड करूंगा, या मैं वो स्टेज पे जाऊंगा वहां पे ऐसा परफॉर्म करूंगा, या प्ले ग्राउंड में मैं ऐसा खेलूंगा। कोई भी डे ड्रीमिंग का टॉपिक हो सकता है, टॉपिक विल चेंज,
और जब वो 4-5 घंटे उसी डे ड्रीमिंग में बुक सामने सेम पेज खुला हुआ है, जब वो बाहर आएगा ना उससे, तब आप समझेंगे कि उसको एकदम गिल्ट होगा, ओह कल मैडम मारेगी या मैडम मेरे को डांटेगी, तो फिर क्या होगा, फिर बहुत सारे गिल्ट में, एंजाइटी में। एंजाइटी क्या होता है वो आप समझ सकते हैं, ऑलरेडी वीडियो है वॉल पे, आप देखेंगे वो चेस्ट में हैवीपन फील करेगा, लंबी लंबी सांस लेने लगेगा। दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी उस चाइल्ड की शुरू हो जाएंगी, और ये एक सबसे बड़ा गैप एरिया है, आप ऐसा समझिए। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि गिल्ट फैक्टर क्या है। अब आगे चलते हैं, कंफ्यूजन स्टेट। मैंने स्टार्ट डे ड्रीमिंग, तो इसमें अंदर एक बड़ी कंफ्यूजन स्टेट आती है, क्योंकि वो जहां रह रहा है, मान लो वो बच्चा एक नॉर्मल मीडियोकर फैमिली में रह रहा है, उसे सब काम कर रहे पड़ रहे हैं, लेकिन उसने डे ड्रीमिंग कर दिया एक बड़े फिल्म स्टार का, कि फिल्म स्टार तो कुछ करते ही नहीं, फिल्म स्टार का तो कोई रोल ही नहीं होता लाइफ, आराम से बैठते हैं क्योंकि उसने तो वैसे ही देखा है, उनकी तो लाइफ बड़ी मजेदार होती है। और ऐसा अगर वो करता है अगेन एंड अगेन, और फैक्ट्स क्या है, जब सामने है वो उसको घर के काम दिख रहे हैं, एक मीडियोकर फैमिली है, सारे हार्डवर्क करते हैं, हम सब लोग जानते हैं मीडियोकर फैमिलीज को कितना हार्डवर्क करना पड़ता है, तो वो बहुत ज्यादा एंग्री हो जाएगा, हर चीज पे एंगर दिखाएगा, फ्रस्ट्रेशन दिखाएगा, थोड़ा सा कुछ बोल दोगे क्राई करने लगेगा। और अगर ऐसा बच्चा कर रहा है तो आपको सीरियसली चेक करने की जरूरत है कि वो डे ड्रीमिंग की तरफ तो नहीं जा रहा है, क्योंकि वो कंफ्यूजन स्टेट में है, उसके ड्रीम में एक अलग दुनिया है और एक्चुअल अलग दुनिया, वो दोनों को मिला देता है, तो उसके रिजल्ट उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आते हैं, जिस वजह से वो परेशान हो रहा है, विचारों में घूमता जा रहा है, विचारों में कहीं गुम हो रहा है, इसी को हम कंफ्यूजन स्टेट बोलते हैं। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे, डोंट फोकस ऑन प्रेजेंट। ये एक सबसे बड़ा चेकिंग पॉइंट दे रहा हूं मैं। बच्चा आपका बहुत इंटेलिजेंट है और उसने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, अब इंजीनियरिंग में पहला साल भी हो गया, लेकिन वो डे ड्रीमिंग करता है और आपको पता नहीं चला, सडनली वो आपके पास आएगा, ओहो मेरे को तो इंजीनियरिंग करनी ही नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अब उसने किसी बड़े आदमी का लेक्चर सुन लिया जो बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स, अब उसको इकोनॉमिक्स की दुनिया में जाना, अब उससे पूछो भाई तेरे को इकोनॉमिक्स आती है, बट मेरे को इकोनॉमिक्स बनना है, मैं बन सकता हूं, मेरे में कैपेबिलिटी है। अब कुछ पेरेंट ऐसे होते हैं, ठीक है बेटा तू छोड़ दे इंजीनियरिंग, तेरे को इकोनॉमिक्स में एडमिशन दिला दिया, अब एडमिशन दिला दिया, बट 6 महीने बाद आगे एक डे ड्रीमिंग शुरू हो गई और उसने ये डिसाइड किया नहीं नहीं ये तो बेकार है, अब मेरे को मैथमेटिशियन बनना है। तो बच्चा बार बार फ्लक्चुएट होगा और फ्लक्चुएशन की वजह से उसके जो रिजल्ट्स हैं जो आने चाहिए वो नहीं आ पाते, तो ये डे ड्रीमिंग का इम्पैक्ट पड़ता है, वो एक वर्चुअल दुनिया में रहने लगता है, विचारों की वर्चुअल दुनिया का नाम ही डे ड्रीमिंग है, अगर आप समझने की कोशिश करें। चलते हैं अगले पॉइंट पे, स्टार्ट लिविंग इन द ड्रीम्स। ये बहुत बड़ा गैप एरिया है, जो कि आप आजकल बहुत सारे पेरेंट्स ये कंप्लेंट करते हैं, हमारे बच्चे सारा दिन सोशल मीडिया मोबाइल अब उनके हाथ में रहता है, तो उनको लगता है ये एडिक्शन हो गया उसे। एडिक्शन भी एक बीमारी है, एडिक्शन भी एक डिसऑर्डर है, बट बहुत बार ये डे ड्रीमिंग है, वो एक बड़े बड़े किसी स्टार्स को, बड़े बड़े जैसे वो कोई सीरियल फॉलो कर रहे हैं, इंडिया का हो सकता है, इंडिया के बाहर का हो सकता है, यूएसए का है, यूरोप का है, कोरिया का है, दिस काइंड ऑफ सीरियल्स ज्यादातर बच्चे फॉलो कर रहे हैं, तो वहां के जो स्टार्स हैं उनको वो बार बार देखना चाहते हैं, मैंने सबसे पहले देखा उसको, ताकि मैं देख के सबको बताऊंगा, किसको बताऊंगा, सारे फ्रेंड सर्कल में बताऊंगा, सबको एक्सप्लेन करूंगा, फ्रेंड सर्कल को उसकी जरूरत है या नहीं वो इस मतलब नहीं है, हो सकता है फ्रेंड को जब वो फोन करे, फ्रेंड आधे टाइम से बोले हाँ हाँ ठीक है ओके ओके, बस उसकी बात सुन ले, क्योंकि फ्रेंडशिप बनी रहनी चाहिए, कुछ स्मार्ट बच्चे भी होते हैं चुपचाप सुनते हैं फोन अपना काम करते हुए। तो ऐसा अगर वो कर रहा है तो वो एक वर्चुअल दुनिया क्रिएट कर रहा है, और जो वर्चुअल दुनिया है वो दुनिया बहुत ही सुंदर है उसकी, लेकिन अपनी दुनिया कैसी है हम सबको पता है, मीडियोकर फैमिलीज, रिच फैमिलीज आल्सो वर्क हार्ड, आज हम ये नहीं कह सकते कि जो इंडिया के बड़े बिजनेस हाउसेज हैं वो लोग काम नहीं करते हैं या उनके बच्चे काम नहीं करते हैं, तो
काम तो करना पड़ेगा। तो जो ये बच्चा है ये वर्चुअल दुनिया में जब रहने लगता है और वर्चुअल दुनिया के अंदर से जब आप उसको बाहर लाते हो तो इसका एंगर पीक पे होता है, इतना पीक पे होता है ये चीजों को तोड़ सकता है, इतना पीक पे होता है कि वो बहुत तेज रोएगा, आप पे सारे ब्लेम कर देगा, आपको ये भी बोल सकता है आपने मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी। पेरेंट्स को सबसे ज्यादा ब्लेम मिलते हैं, आप सब लोग ये बात समझ रहे होंगे पेरेंट्स, तो आपको ये समझने की जरूरत है। अगर बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है इमीडिएटली किसी एक्सपर्ट से मिले और उसकी एडवाइस जरूर लें। आगे चलते हैं, आगे हमें ये समझने की जरूरत है कि हम इसमें से अपने आप को बचा कैसे सकते हैं। तो ये दो पॉइंट मैं बता रहा हूं डे ड्रीमिंग को रोकने, तो ये रामबाण समझिए। अगर आपने ये दो पॉइंट घर पे इंप्लीमेंट कर दिए तो बच्चे की डे ड्रीमिंग उसी टाइम रुक जाएगी। पहला, जब भी वो मोबाइल लेके बैठा हो, मतलब बच्चा दो ही फेजेस में होगा, या तो पढ़ रहा होगा या खाली बैठा होगा, जब वो खाली बैठा हो या तो टीवी में हो या मोबाइल पे हो, तब आप उसको मोबाइल रखने को मत बोलो, उसके साथ शुरू हो जाए टॉक। वो उसको बोलो पेरेंट्स के साथ बैठो, मदर के साथ जाके बैठो, वॉक करके आओ, ऐसी चीजें बोले रेदर देन टू सेइंग के मोबाइल रख दो। मना करेगा वो, बट आपको धीरे धीरे पोलाइटली उसको उस पर पुश करना है। ग्रैंड पेरेंट्स से बात करो, कई बार बच्चों का अट्रैक्शन ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा होता है, नाना नानी दादा दादी, उनके साथ उनको कनेक्ट करने की कोशिश करो, सिबलिंग के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। मेक श्योर कि वो खाली बैठे ही ना, वो टॉकटिव रहे, फोन पे भी है तो फोन करवा दो, किस दादी से फोन करा दो, नाना से फोन करा दो, देखो ना वो खाली बैठा है और आपको लग रहा है आपकी बात नहीं मान रहा, दूसरे कमरे में जाइए और फोन करवा दीजिए उसके मोबाइल पे। अब वो नानी का फोन या नाना का फोन अवॉइड तो नहीं करेगा, बच्चों का लगाव होता है, तो उनको बोलिए टॉक करो इसको आधा घंटा पौना घंटा, जितनी देर वो बात कर सकते हैं, जितनी देर वो कंफर्टेबल है, क्योंकि वो बुजुर्ग हो जाते हैं, तो जितनी देर वो बात कर सकते हैं उनसे बात करवाइए। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको मैक्सिमम उसको एंगेज रखना है किसी न किसी ऐसी एक्टिविटी में जहां वो बोलता रहे। जब तक वो बोलता रहेगा डे ड्रीमिंग से बाहर रहेगा। दूसरा, जब वो स्टडी करने लगता है, जब पढ़ने लगता है तो क्या दरवाजा बंद कर लेते हैं आजकल बच्चे, आपको तो पता नहीं अब अंदर क्या हो रहा है। अब उसका तरीका ये है, आप उसे समझाइए बेटा अगर बोल बोल के पढ़ोगे ऐसे याद हो जाएगा, थोड़ा पुश करिए। तो इसमें आपका कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि बोलने से क्या एक्स्ट्रा होगा, बोलने से यही एक्स्ट्रा होगा कि डे ड्रीमिंग उसी टाइम रुक जाएगी। और जो डे ड्रीमिंग में बार बार माइंड जा रहा है उसमें डिले ऑर्डर शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे वो बाहर आएगा। और ये दोनों मेथड आपको अप्लाई कर देनी चाहिए इमीडिएटली अगर आपको लग रहा है आपके बच्चे डे ड्रीमिंग में जा रहे हैं। तो इस वीडियो में क्या क्या था, डे ड्रीमिंग क्या होती है, वर्चुअल वर्ल्ड क्या होता है, पांच ऐसे पॉइंट जैसे आप जान सकते हैं कि ये बच्चा डे ड्रीमिंग चला गया है या नहीं, और दो पॉइंट ऐसे जिससे आपको ये पता लग गया होगा कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट डाल सकते हैं, विल गिव द आंसर पर्सन। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।